हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले कई दिनों से ऑपरेशन हेरोफ जो है वो काफी न्यूज में है। भारतीय मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया में भी इस ऑपरेशन की काफी चर्चा है। ये ऑपरेशन एक चरमपंथी संगठन BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है और इसमें अब तक लगभग 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा जो है वो BLA ने किया है। उसके साथ साथ इन लोगों ने काफी सिविलियंस को भी मारा है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर BLA ऐसा क्यों कर रहा है और BLA का क्या इतिहास है और भारत के साथ इसका क्या संबंध है, क्यों भारत पर आरोप लगते रहते हैं कि भारत BLA के साथ मिलकर काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले कल से ही कई प्रमुख अखबार, न्यूज चैनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवलों पर जो ये खबर छप रही थी कि कल पाकिस्तान में जो BLA है बलूचिस्तान एरिया के अंदर हाईवेज को इन्होंने जाम किया, कई जगह हाईवेज को जाम किया और वहां बसों में से लोगों को उतार उतार के उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए और जो लोग बलूचिस्तान के रहने वाले नहीं थे, खासकर पंजाब प्रांत के रहने वाले थे, उनको एक एक करके गोली मारना शुरू कर दिया। लगभग 12 ट्रकों को आग लगा दी गई और ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरी मुठभेड़ हुई है इसमें लगभग 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और वहां के पुलिसकर्मी भी मारे गए। ये जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये कोई घटनाएं एक जगह पर नहीं हुई हैं और न एक दिन में हुई हैं। जितने भी लोगों को या जितने भी सैनिकों को मारा गया है पाकिस्तान के अंदर, ये कई दिनों के अंदर घटनाएं हुई और अलग अलग जगह पर इनको BLA ने अंजाम दिया है, ताकि एक जगह पर अटैक होता है तो उसको जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इन लोगों ने जगह जगह पर अटैक किए हैं। BLA नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, ठीक है। और इन्होंने कल ही एक बस की जो घटना थी उसको दिखाया जा रहा था कि उसमें 23 लोगों को मार दिया। कल के दिन ही इन्होंने लगभग 40 से 45 लोगों को मार दिया था अलग अलग इंसिडेंटों में। एक बस वाली घटना हुई थी, कई जगह गाड़ियों को रोक के, कई जगह ट्रकों को रोक के जो है लगभग 39 के आसपास लोगों को इन्होंने मार दिया था। उसके बाद कुछ घायल हुए थे, उनकी भी डेथ हो गई, तो लगभग जो है 40-45 लोगों को एक ही दिन में इन लोगों ने मारा और कई पुलिस स्टेशन और आर्मी कैंपों को भी इन्होंने अपना निशाना बनाया। तो देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं पिछले 24 घंटे के अंदर 12 जगहों पर जो है ये अटैक हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर, ठीक है। आखिर ये बलूचिस्तान प्रांत है कहां? देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है पूरा, ये नीचे पाकिस्तान की तरफ, ये यहाँ सिंध है, ये पंजाब है, ये हमारा कश्मीर वाला पोर्शन है, ठीक है, इंडिया का पार्ट है। यहाँ से नीचे इंडिया शुरू हो जाता है, ये इंडिया लिखा हुआ है, ये इंडिया है पूरा जो कश्मीर है, ये खैबर पख्तूनख्वा है और ये आपका पूरा बलूचिस्तान है इस साइड में, सिंध के साइड में। अब ये बलूचिस्तान के लोगों की क्या दिक्कत है, क्यों ये ऐसा लोग कर रहे हैं? तो देखिये, पंजाब प्रांत जो है, ये पंजाब पाकिस्तान का है, इंडिया का पंजाब आप मत समझिए इसको, ठीक है। लाहौर ये यहाँ इसके कोने पर है, मुल्तान है, प्रमुख इसके शहर है। तो ज्यादातर पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है वो आपका पंजाब के अंदर ही है और सिंध के अंदर भी, फिर भी कहीं तक ठीक सिचुएशन है, लेकिन मेजर जो डेवलपमेंट है पंजाब प्रांत के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान इन एरियाज में खनिज काफी पाए जाते हैं, बलूचिस्तान के अंदर कोयला है, तांबा है और भी कई प्रकार के खनिज जो है यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान और चीन दोनों मिलके यहाँ खनन करते हैं या सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन एक तरीके से समझ लिया आदिवासी टाइप का ही है, यानी बहुत पीछे जीवन है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बिजली पानी नहीं, और पाकिस्तान का एक अलगाववाद जो जिसको कहते हैं, उस तरीके का रवैया इस एरिया के साथ जो है रहता है। इसलिए ये BLA जो है ये हमेशा अलग देश की मांग करता है कि हम लोग अलग हैं, शुरू से, आज से नहीं, आजादी के समय से ही इनके कुछ लोग थे, ये संगठन तो बाद में बना है, लेकिन इस विचारधारा को बलूचिस्तान को मानने वाले लोग आजादी के समय से ही थे, 47-48 के आसपास जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस समय ही ये कहते थे कि हम लोगों को तो भाई अलग से आप बना दीजिए, हम अलग से रह लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ इनको जोड़ दिया गया और तब से लड़ाई चल रही है। 1970 में इस संगठन को जो है वो बनाया गया था बलूचिस्तान, और कई देश जो है, पाकिस्तान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये देश इसको आतंकी संगठन मानते हैं और पाकिस्तान का लगातार आरोप रहता है कि भारत है, रशिया है, ईरान को भी इंक्लूडिंग, क्योंकि ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था पाकिस्तान के साथ, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में भी एक दूसरे पर अटैक हुए थे, तो इंक्लूडिंग ईरान भी इसको आतंकी संगठन नहीं मानता, ये पाकिस्तान का सपोर्ट
ये कहता है कि ये लोग ईरान है, भारत है, रसिया है और भी एक दो कंट्रीज हैं, ये सब लोग इसको बीएलए को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के सपोर्ट से पाकिस्तान में अस्थिरता लाने की जो है वो कोशिश करता है। लेकिन जो प्रमुख रीजन है वो यही है कि यहाँ से ज्यादातर कई खानों में मजदूरों को जो है मारा गया है जो बलूचिस्तान के नहीं थे, यानी कि पंजाब सिंध प्रांत के थे या फिर और किसी प्रांत के थे, उन लोगों को मारा गया है। यानी कि इनका टारगेट ये है कि अलग से इनको चीजें चाहिए, फ्रीडम चाहिए इन लोगों को अलग से, क्योंकि पूरा पैसा पाकिस्तान यहाँ से कमा रहा है, चीन के साथ मिलकर सब कुछ कर रहा है, लेकिन पैसे को यहाँ बिल्कुल भी खर्च नहीं करता है, सुविधाएं लोगों के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं है। पिछड़ेपन की वजह से यहाँ विद्रोह तेजी से बढ़ रहा है और बीएलए के साथ लोग जुड़ जाते हैं। पिछले कई सालों में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं और अब ये पिछले कई दिनों से जो है ये हिंसक जो है घटनाएं हो रही हैं। हालांकि बीएलए के भी 21 जो लड़ाके हैं, जिनको सोल्जर्स कहिए, लड़ाके कहिए, उनको भी पाकिस्तान की आर्मी ने मार गिराया है, लेकिन लगभग 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स और सैकड़ों की तादाद में सिविलियंस अब तक इसमें मारे जा चुके हैं और अभी भी ये लड़ाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि खुल के चल रही हो, ये एक तरीके का गोरिल्ला वॉर है, यानी कि छिप के आपके ऊपर अटैक कर दिया पाकिस्तान की पुलिस चौकी के ऊपर या पाकिस्तानी आर्मी के कैंप के ऊपर और भाग गए वहां से, पता ही नहीं चला कि कौन था क्या। ये सीधा लड़ते नहीं है लोग, ऐसा नहीं है कि सीधा मुठभेड़ हो रही हो जैसे इंडिया में देखते होंगे, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर चल रहा है, इस तरीके का ये लोग नहीं करते, लेकिन कभी कभी हत्थे चढ़ जाते हैं तो इनको पाकिस्तान की आर्मी मार देती है, इसलिए इन लोगों को पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अटैक किया, अपने घर आके बैठ गए, नॉर्मल काम अपने कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये कौन है, ये आम नागरिक है या बीएलए का जो है सोल्जर है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में तो वैसे भी टफ है, उतनी अच्छी जो है पाकिस्तान में सुविधाएं नहीं है, ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, खासकर इन इलाकों में तो बड़ी असुविधाएं जो है इस समय पाकिस्तान में है, और वैसे ही पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। और ऐसे ही कुछ रीजंस रहे थे जब बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में, बांग्लादेश अलग होने के रीजन जो हुआ था उसमें भी यही विद्रोह थे, अलगाववाद के विद्रोह थे, पाकिस्तान के द्वारा वहां के लोगों का शोषण था, भाषा के आधार पर उनसे भेदभाव था, ऐसे ही कुछ लक्षण रहे थे जिनसे एक बांग्लादेश बना था, और ये लोग भी ऐसी ही कुछ मांग कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं सुधरी और इस तरीके के विरोध हिंसक रूप से होने लगे, हो सकता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर पाकिस्तान का एक बार और डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि इस तरीके के हिंसक प्रदर्शनों को रोकना आसान नहीं होता है, खासकर जब संसाधन हो। लेकिन पाकिस्तान आरोप लगाता है कि इन पर हथियार जो है, इनको मॉडर्न वेपन्स जो अटैक करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये रॉ प्रोवाइड कराता है, यानी कि भारत की जो एजेंसी है वो जो है प्रोवाइड कराती है, बाकी लोग भी इसमें मदद करते हैं, ईरान वगैरह। तो ईरान तो अभी इंगेज है, लेकिन हाँ अब भारत के ऊपर ये लोग सारी चीजें थोपेंगे, लेकिन इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भारत को, क्योंकि भारत हमेशा ऐसी चीजों को इग्नोर मार देता है, ठीक है, क्योंकि इनकी सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है, इनके लोगों के लिए सर्विसेज देना इन लोगों की जिम्मेदारी है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है उसको लेकर अगर वो हथियार उठा रहे हैं तो उनको रोकना भी इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखते हैं पाकिस्तान में आने वाला समय किस तरीके का होगा, कैसी सिचुएशन बनेगी। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी जी जान लगा रही है इन घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन बड़े लार्ज स्केल पर ये घटनाएं जो है इस समय बलूचिस्तान के अंदर हो रही है। देखेंगे पाकिस्तान सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, और कुछ अपडेट अगर इससे टॉपिक्स रिलेटेड मिलेगा तो फिर आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।